नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे, जब वो अपना पीएफ ट्रांसफर करते हैं तो उनके सामने एक रिजेक्ट ऑप्शन आ जाता है, जो आता है फील्ड ऑफिसर करके, मतलब रिजेक्ट बाई फील्ड ऑफिसर। अगर फ्रेंड आपकी भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपने पीएफ ट्रांसफर किया था या केवाईसी रिक्वेस्ट की थी, मगर आपकी केवाईसी रिजेक्ट कर दी गई या आपका पीएफ ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया गया और रीजन बताया गया कि फील्ड ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब रिजेक्ट बाई फील्ड ऑफिसर। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ये रिजेक्ट क्यों किया गया है। बहुत से फ्रेंड्स को यही नहीं पता होता कि भाई आपका पीएफ ट्रांसफर रिजेक्ट क्यों कर दिया गया है, वो आपको कौन सा सोल्यूशन मांग रहे हैं आपसे, जिसके कारण आपका पीएफ ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, और वो आपको क्या सोल्यूशन होगा, कहाँ देखने को मिलेगा आपको ये प्रॉब्लम कि आपका जो पीएफ रिक्वेस्ट थी ट्रांसफर करने की वो रिजेक्ट कर दी गई है। कुछ फ्रेंड्स ये वेट करते रहते हैं कि भाई उनका तो पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दी है, एक हफ्ते में 2 हफ्ते में पीएफ ट्रांसफर होके प्रेजेंट कंपनी में आ जाएगा, मगर वो फील्ड ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको भी अपना अकाउंट आपने ट्रांसफर किया था, आप एक बार चेक जरूर कर लेंगे कहीं आपका पीएफ ऑफिस से रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे बिल्कुल डीपली कि आपको ये प्रॉब्लम देखने को कहाँ मिलेगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा और हम किस प्रकार से अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ टाइप करेंगे यूएन लॉगिन और इसको टाइप करने का उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में यूएन नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के साइन इन कर लेंगे। फिलहाल ये प्रोसेस सबको पता होगी, यहाँ पे थोड़ा स्किप करते हैं, आपके सामने इस टाइप की प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं कि आपको जो पीएफ ट्रांसफर की रिजल्ट की गई है वो आप कहाँ से देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता होगा ऑनलाइन सर्विसेज, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपके सामने थर्ड ऑप्शन दिखता होगा ट्रैक क्लेम स्टेटस। जैसे ही फ्रेंड्स आप ट्रैक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सामने आपको नीचे फाइल को अपनी स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर क्लेम स्टेटस आपको इस ऑप्शन पर देखना होगा। यहाँ पे आपकी सीरियल वाइज दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा रिजेक्ट बाई एम्प्लायर, यहाँ सेकंड ऑप्शन दिखाएगा रिजेक्ट बाई फील्ड ऑफिसर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी गई। आप ये वेट कर रहे थे कि आपका पीएफ ट्रांसफर होकर प्रेजेंट कंपनी में आ जाएगा और उसके बाद अपना एडवांस क्लेम करेंगे या फुल सेटलमेंट करेंगे और आपको यहाँ से चेक कर लेंगे कि आपका फील्ड ऑफिसर रिजेक्ट तो नहीं किया गया है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये आपको रिजेक्ट कर दिया गया है एम्प्लायर के द्वारा या फील्ड ऑफिसर के द्वारा, तो आपको क्या करना होगा, कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण आपका जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है वो आप कहाँ से देख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे। अब अपनी प्रोफाइल को ओपन करने के लिए आपको यह ऑप्शन दिखता होगा व्यू, यहाँ पे आपको पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने यूएन नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। फ्रेंड जैसे अपने पासबुक को आप ओपन करेंगे आपके सामने इस टाइप का प्रोफाइल ओपन होगा, आपके सामने यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड आपके सामने इस टाइप की प्रोफाइल ओपन होकर आएगी, आपको यहाँ पे अपने देखना होगा कि आपकी किस कंपनी से आपका पीएफ ट्रांसफर किया गया था और उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे आपकी मेंबर आईडी शो होती होगी, आपको उसी मेंबर आईडी में पासबुक को ओपन करना होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेंबर आईडी को ओपन करना है, किसका आपका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है, ट्रांसफर को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अपनी प्रोफाइल को आप यहाँ देखेंगे। यहाँ अपने प्रोफाइल में देखेंगे आपके सामने यहाँ पे आपके सामने प्रीवियस अकाउंट नंबर, मतलब आपके सामने मेंबर आईडी शो होगी। यहाँ पे आपको लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे, जैसे 481 आपकी ये मेंबर आईडी है इस टाइप के एग्जांपल पे, तो इस मेंबर आईडी पे आपका रिजेक्ट कर दिया गया है फील्ड ऑफिसर के द्वारा। इसी प्रकार से अपनी पासबुक में यहाँ देखेंगे कि आपकी ऐसा कौन सी मेंबर आईडी है जिसका 481 का रिजेक्ट कर दिया, आपको उसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसी प्रोफाइल को ओपन करना होगा। तो फ्रेंड जैसे इस प्रोफाइल को ओपन करने है आपको सब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है रिजेक्ट रीजन दिया है, जो इन्होंने पीएफ ट्रांसफर को रिजेक्ट को रीजन दिया है वो ये दिया है फर्स्ट ऑप्शन कि यहाँ पे क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड है। ठीक है, ये आपका ये है कि ये जो फ्रेंड्स हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना फुल सेटलमेंट कर लिया था, मगर इनको ये डाउट था कि हो सकता है कि मेरे प्रीवियस कंपनी में कुछ बैलेंस बचा हो, इन्होंने उसके ट्रांसफर को अगेन फिल कर दिया था, मगर उनका पीएफ में तो पहले से बैलेंस सेटल्ड हो चुका था, उनका बैलेंस नहीं था। तो वहाँ पे जो क्लेम का रिजेक्ट किया है पीएफ ऑफिसर ने रिजेक्ट किया है वो ये बताया कि आपका पहले से ही आपका क्लेम सेटल्ड हो चुका है, आपके पास तो बैलेंस है ही नहीं, इसलिए वो रिजेक्ट कर दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रोफाइल और ओपन दिखाते हैं, तो फ्रेंड आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं, दूसरी प्रोफाइल ओपन करके दिखाते हैं जहाँ पे फील्ड ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को। आपको अगेन क्या करना होगा, आपको यहाँ होगा व्यू क्लेम स्टेटस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पे देखिएगा क्लेम रिजेक्ट, रिजेक्ट का रीजन दिया है कि इनसफिस
रिसेंट मेंबर बैलेंस, मतलब आपकी जो पीएफ की पासबुक है, आपने जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली है प्रीवियस कंपनी में, उसमें आपका बैलेंस बचा ही नहीं है, आपने बैलेंस निकाल लिया है मगर आपने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दी थी और तो इसलिए वो रिजेक्ट कर दी गई फील्ड ऑफिसर के द्वारा कि आपका पहले से बैलेंस है ही नहीं, तो आपको फिर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए लिखा है इनसफिशियंट बैलेंस। तो फ्रेंड इस टाइप से अपना आपको क्लेम में जाके अपने प्रोफाइल को चेक करना होगा कि आपके में क्या रीजन दिया है जिससे आपका पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है, किसके द्वारा, फील्ड ऑफिसर के द्वारा। तो फ्रेंड अगर आपके सामने इस टाइप के कोई भी ऐसे नए ऑप्शन आते हैं जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं कि सर मेरे में इस टाइप की प्रॉब्लम बता रही है, पीएफ रिजेक्ट कर दिया गया, किसका क्या कारण होगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट्स रह गया हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।